कांग्रेस और अकाली दल ने पीएम मोदी की ओर से बुलाई बैठक का किया बहिष्कार। सुखबीर बादल बोले, पहले किसानों पर हो मीटिंग। चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट से अपील, उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास नहीं बताने पर पार्टियों के चुनाव चिन्ह किए जाएं फ्रीज। लोकसभा में गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा भारत की सुरक्षा के लिए रोहिंग्या प्रवासी है खतरा। पेगासस पर बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देंगे कांग्रेस समेत विपक्ष को जवाब। बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी का संदेश, बोले कांग्रेस के झूठ को सच से हराएं, जनता तक पहुंचाएं सरकार का काम। कोरोना के बढ़ते मामलों और महंगाई में तेजी आने की आशंका के बीच आज भी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 355 अंकों की गिरावट के साथ 52,198 के स्तर पर बंद हुआ। अफगानिस्तान में कंधार पर कब्जा करने की कोशिश में लगा तालिबान, कई इलाकों में संघर्ष जारी, जंग को तैयार है अफगान आर्मी। वहीं स्पेस में आज उड़ान भरेंगे जेफ बेजोस, सभी तैयारियां हुई पूरी, शाम 6:30 बजे भरेंगे उड़ान। और वहीं खेल की खबरों में भारत श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला शुरू, ताजा अपडेट मिलने तक श्रीलंका ने 4 विकेट पर बनाए 137 रन। और अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में कोर्ट ने राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा।